साल 2047 में जब इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे करेगा, तब देश की लगभग आधी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज या सिटीज में रह रही होगी। और ये बात मैं नहीं बल्कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कही गई है 2022 के बजट सेशन के दौरान। जैसे ये बात पता चलती है, कुछ ख्याल दिमाग में आते हैं। पहली बात ये कि आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडियन सिटीज के अंदर न होने के बावजूद कंजेशन, ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, ट्रांजिट की समस्या और ओवरऑल एक बेकार लाइफस्टाइल सिटीज के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर देश की आधी पॉपुलेशन सिटीज में रह के आने लगे तो आज के डिजाइन, आज के प्लान्स और आज जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है सिटीज के अंदर, वही अगर होता रहा तो शहर इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। इनफैक्ट शहरों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो सकती है कि वो एक स्टैंडस्टिल सिचुएशन में आ जाए या फिर वो शहर इनएफिशिएंट बन जाए दुनिया के कंपैरिजन में। और इसी को देखते हुए देश के ओवरऑल अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इफेक्टिव पॉलिसीज को फाइनलाइज करने की बात की गई है। और आज हम इन्हीं में से कुछ रिफॉर्म पॉलिसीज के बारे में जानेंगे और बात करेंगे जिनके इम्प्लीमेंट होने पर हमारी इंडियन सिटीज का नक्शा पूरी तरीके से बदल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कुल 5 डेवलपमेंट स्कीम्स को फाइनलाइज करने का सोच रही है, जिसमें से पहला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स बाय लॉज पॉलिसी। बाय बिल्डिंग लॉज ये कुछ लीगल टूल्स या पैरामीटर्स होते हैं जिनके मुताबिक किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट किया जाता है। वैसे तो TCPO या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 में इम्प्लीमेंट कर रखे है, जहाँ सारे लीगल पैरामीटर्स के लिए फ्रेमिंग की गई है। बट इसमें आपको कभी भी कोई खास मॉडर्नाइज्ड रेजोल्यूशंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो कि एक्चुअल में इफेक्टिव हो। अभी आप सबको पता ही होगा कि ऑन ग्राउंड किस तरीके के रेगुलेशंस हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और इन रेगुलेशंस का कवरेज कोई टफ लॉ से नहीं होता, यानी उनका जो एग्जीक्यूशन है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं होता। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने पर उम्मीद जताई गई है कि हाईली एडवांस रेगुलेटरी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और हमें देखने के लिए मिलेगा एक अच्छे तरीके की टाउन प्लानिंग। बेसिकली शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जिस तरीके से नोएडा में ट्विन टावर्स खड़े हो गए थे बिना प्रॉपर परमिशंस के, वैसी चीजें ऑल ओवर इंडिया होती है हम जानते हैं, और ये सिचुएशंस आगे हमें देखने नहीं मिलेगी। दूसरी है TOD या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही स्कीम को साल 2015 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। काफी स्टेट्स ने इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी किया है। TOD स्कीम में लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके कारण डेंसिटीज में वॉकेबल और लिवेबल एनवायरनमेंट बन पाए। आपको मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी शहर के अंदर एरियाज जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं एज कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल वगैरह। अगर इन सारी एरियाज के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी है, कम टाइम में पूरे शहर में एक कोने से दूसरे कोने में कम्यूट किया जा सकता है, चाहे वो बस के जरिए हो, मेट्रो के जरिए हो, रोडवे अच्छे हो या कोई दूसरे तरीके का ट्रांसपोर्ट मीडियम, वो शहर ज्यादा एफिशिएंट बनता है क्योंकि लोग इजीली अपने आप को यहाँ से वहां ले जा सकते हैं कंफर्टेबली और एक चीप प्राइस पर। लेकिन अगर डेवलपमेंट इस हिसाब से की जाए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पर ध्यान ना दे तो सिटीज इनएफिशिएंट बनती है, और जो आज हमें देश के कई बड़े शहरों के अंदर समस्या देखने मिलती है, चाहे वो मुंबई की लोकल्स हो या बेंगलुरु का ट्रैफिक, वो चीजें इन्हीं चीजों के प्लानिंग के न होने की वजह से होती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक ऐसा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे बोथ कमर्शियल रेसिडेंशियल स्पेसेस के अराउंड हो। और आज भी हमारे देश के अंदर कई सारे लोग जो रोज सिटीज के रिजिड ट्रैवल को फेस करते हैं और इनफैक्ट इसके अंदर अपनी कई बार जान भी गवा देते हैं, इस पॉलिसी की वजह से ये चीजें खत्म होते हुए नजर आएगी, जिससे एक प्लान्ड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर, ये शहर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये स्कीम्स लागू हो चुकी है। तीसरा है TDR या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी। TOD की तरह ये स्कीम भी पहले इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। इसके पॉलिसी के गाइडलाइंस साल 2020 में नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेकिन इस स्कीम को इतने अच्छे से अब तक समझा नहीं गया। इसके इम्प्लीमेंटेशन के कारण गवर्नमेंट कंजेस्टेड और एक्सपेंसिव सिटीज में भी बड़ी आसानी से लैंड एक्विजिशन कर पाएगी और लैंड ओनर्स को भी लो कॉम्पनसेशन की जगह डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट मिलेगा। TDR के कारण हमें रोड्स, पार्क्स, हेरिटेज साइट्स, एसेंशियल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्विक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि भारत के मेगा सिटीज में इंप्लीमेंट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप जानते हो देश में लैंड एक्विजिशन बहुत आराम से होता है। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद में इसका कुछ एग्जीक्यूशन भी हो चुका है और दिल्ली में भी इसको ड्राफ्ट किया जा चुका है। ये मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊं तो बेसिकली आज ये होता है कि गवर्नमेंट अगर कहीं से कुछ रोड बनाती है, बीच में किसी की प्रॉपर्टी आती है, तो उनको वो खरीदनी पड़ती है। खरीदते वक्त मल्टीपल चीजें अप्लाई होती है और उसके बाद में होता ये भी
भी है कि जो लैंड ओनर है अगर वो नहीं देना चाहता है जमीन तो वो कोर्ट्स की मदद ले सकता है, जिसको जैसे कई बार हमें लेट काम होते हुए नजर आता है। लेकिन न्यू पॉलिसी के अंतर्गत एक लैंड ओनर के लिए भी फायदा ये बचेगा कि गवर्नमेंट लैंड के जो राइट्स है वो खुद के बजाय जो ओनर है उनके पास में रखेगी बाद में, जिसकी वजह से अगर वो कुछ अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा गवाते भी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर उसका कॉम्पनसेशन तो मिलेगा ही, लेकिन बची हुई जो जमीनें होगी या फिर जो उनका अभी करंट सिचुएशन होगा जमीन का उसमें वो बेहतर पॉलिसीज के साथ में डेवलपमेंट कर पाएंगे, जिसके वजह से उनका जो डेवलपमेंट पोटेंशियल होगा पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का वो उनके पास में ही बचेगा, जो ऑब्वियसली एक इस तरीके की विन विन सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट अपना काम भी कर पाएगी और ओनर्स को भी अपनी चीजें रखने को मिलेगी। फोर्थ है टीपीएस एंड एलएपी, ये भी साल 2018 में रिलीज की गई थी अमृत स्कीम के अंतर्गत और ये अमृत स्कीम की ही एक सब स्कीम है। टीपीएस का मतलब है टाउन प्लानिंग स्कीम एंड एलएपी का मतलब है लोकल एरिया प्लान। अब सभी को इनके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये स्कीम्स किस चीज को प्रमोट कर रही है और हमारे देश के अंदर टाउन प्लानिंग और इवन लोकल एरिया प्लानिंग करने के लिए जो इतने हर्डल्स आते हैं उनको ये दूर करेगी। बिल्डर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के लिए किसी भी एरिया को प्लान करने का काम करते हैं और ओवरऑल बड़े हिसाब से सोचने का मोटिव नहीं रखते, पर टीपीएस और एलएपी के वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को आउटकम बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा जो अथॉरिटीज एक प्लान डेवलपमेंट करने का अटेम्प्ट करे उसके लिए। अगर इंसेंटिव होंगे तो ऑब्वियसली काम ठीक से होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमने कुछ प्लान सिटीज के डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट सुना है और इस पॉलिसी के बाद में जो इस तरीके की सिटीज है उनकी संख्या बढ़ेगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और फिफ्थ है क्रिएशन ऑफ स्पन सिटीज बाय इंटीग्रेटिंग ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। स्पन सिटीज का मतलब होता है सिटीज का डेवलपमेंट करना जो कि रेन वाटर को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करे और यूटिलाइज कर सके। यहाँ ब्लू या ब्लू का मतलब है वाटर, ग्रीन का मतलब है ग्रीन स्पेसेस। हम सभी ने देखा है कि कैसे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएसए और यूरोप की सिटीज भी भारी बारिश में कितने बुरे हालों को फेस कर रही है। चाइना ने ये प्रॉब्लम निपटाने के लिए स्पन सिटीज का कॉन्सेप्ट निकाला था जहां पर ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करके डेवलप किया गया ताकि जितनी भी भारी बारिश हो वो एब्जॉर्ब हो जाए और इनफैक्ट इसके फायदे के बजाय एडवांटेज वो उठाए। यहाँ ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर में लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा और ग्रीन स्पेसेस के अंदर यहाँ पर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए एरियाज, नेचुरल और सेमी नेचुरल एरियाज के तौर पर प्लान डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि एक वाइड रेंज के इकोसिस्टम को सर्विस करेगा। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से पहले जो पहले मैंने बात की पॉलिसीज की उनका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज के साथ 5 एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का सोचा है जहां पे अर्बन प्लानिंग और डिजाइन के लिए सर्टिफाइड ट्रेनिंग दिया जाएगा। यह हर इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा और बजट 2022 में और भी कई पॉलिसीज का अनाउंसमेंट किया गया है इन अर्बन एरियाज को सस्टेनेबल नेचर फ्रेंडली बनाने के मिशन के साथ। ये सारी पॉलिसीज इंटरडिपेंडेंट है, हालांकि अगर हम सिटीज को कुछ स्पेसिफिक रीजन में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है। जो न्यू प्लान सिटीज है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है उनमें ये डेवलपमेंट स्कीम्स ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बचा हुआ है। टीओडी जैसी स्कीम्स बड़ी सिटीज के आउटस्कर्ट्स में इजीली एग्जीक्यूट की जा सकती है जबकि टीडीआर जैसी स्कीम्स को जेन्युइनली मुंबई जैसी सिटी में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और क्या इस वजह से हमारे शहर ज्यादा बेहतर बन पाएंगे रहने के हिसाब से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।